Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों में से एक रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को तगड़ा झटका देते हुए जियो फोन टैरिफ में बढ़ोतरी कर दी है। जानकारी के अनुसार कंपनी ने टैरिफ में 20% की बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद 28 दिनों की वैलिडिटी वाले 155 रुपए वाले प्लान की कीमत अब 186 रुपए कर दी गई है। इसी तरह 28 दिनों की वैलिडिटी वाले 185 रुपए के प्लान की कीमत अब बढ़कर 222 रुपए कर दी गई है, जिसमें हर रोज 2 GB डेटा दिया जाता था। आपको बता दें, हाल ही में रिलायंस जियो ने यूजर्स को एक झटका और देते हुए अपना एक प्लान बंद कर दिया था। ये प्लान जियो फोन के यूजर्स के लिए था। कंपनी ने अपने 749 रुपए वाले प्रीपेड प्लान को बंद कर दिया था। हालांकि इसके बदले में यूजर्स अब 899 रुपए वाले जियो फोन प्रीपेड प्लान के साथ जा सकते हैं। इससे पहले कंपनी ने 749 रुपए वाले इस प्लान को 150 रुपए महंगा कर दिया था। जियो फोन का ये प्रीपेड प्लान उन लोगों के लिए था जो अपने लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान लेना चाहते हैं, लेकिन अब 749 रुपए वाले प्लान के बंद होने के बाद यूजर्स के पास केवल 899 रुपए वाले प्लान का ऑप्शन बचता है। इस वजह से इसे टैरिफ हाइक के तौर पर भी देखा जा रहा है, यानी कंपनी ने सीधे सीधे जियो फोन के इस प्लान को फिर से 150 रुपए महंगा कर दिया है। प्लान की नई कीमत को कंपनी की वेबसाइट और ऐप पर लिस्ट कर दिया है। ये ऑफर उन ग्राहकों पर लागू होगा जो जियो फोन के वर्तमान यूजर हैं। जियो फोन के 899 रुपए वाले प्रीपेड प्लान की बात करें तो इसमें यूजर्स को टोटल 24 GB डेटा दिया जाता है। यूजर्स को हर 28 दिन पर 2 GB हाई स्पीड डेटा दिया जाता है। हाई स्पीड डेटा खत्म होने के बाद स्पीड घटकर 64 KBPS हो जाती है। साथ ही एक साल का अनलिमिटेड प्लान भी साथ में होता है। इसके अलावा जियो ऐप्स का भी एक मुफ्त सब्सक्रिप्शन मिलता है। इसमें बता दें आपको, यूजर्स को 28 दिन की 12 साइकिल मिलती हैं, जिसमें हर साइकिल में 50 SMS और 2 GB डेटा मिलता है। इसके अलावा इस प्लान के साथ अनलिमिटेड कॉल का ऑप्शन भी है। कुल मिलाकर जियो के यूजर्स को बढ़ी हुई कीमतों से थोड़ा झटका तो ज़रूर लगेगा।